जलालाबाद शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले पालिका बाजार के दुकानदारों की आज एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पालिका बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष शीशपाल जाखड़ ने की। बैठक में दुकानदारों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वहीं लॉकडाउन पीरियड के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश भर की सरकारी बाजारों की दुकानों का 15 मार्च से 15 मई तक की लॉकडाउन अवधि का किराया नहीं लेने की घोषणा का भी स्वागत किया गया। दुकानदारों ने हरियाणा सरकार के इस निर्णय की सराहना की। वहीं लॉकडाउन अवधि के तुरंत बाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा लॉकडाउन अवधि का भी किराया जमा करवाने को लेकर दबाव बनाए जाने के प्रयासों की कड़ी निंदा की गई। पालिका बाजार एसोसिएशन के दुकानदारों ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन अवधि का पूरा किराया माफ किया जाए। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का पत्र नगर पालिका प्रशासन तक नहीं पहुंचा है। अगर सोमवार तक यह पत्र नहीं पहुंचा और उन्हें लॉकडाउन की अवधि का किराया देने के लिए मजबूर किया गया तो मंगलवार से पालिका बाजार के सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों का शटर बंद करके कामकाज ठप रखेंगे और धरना प्रदर्शन भी शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन और हरियाणा सरकार की होगी। इस संबंध में चैनल डी ने पालिका बाजार के कुछ दुकानदारों से बात की। पालिका के जितने भी दुकानें हैं बाजार के अंदर, उन सब मेंबर सब इकट्ठे हुए हैं और उन मेंबरों की ये सारी बातें हुई है कि हमारा जो लॉकडाउन में किराया है उसको माफ किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने ये भी कहा था कि किराएदार वालों को तंग नहीं करना और नाम से किराया लेना है, जो कोई करे तो उस पर हमें बताया जाए। तो हमारी हाथ जोड़ से सरकार से और हमारी एलनाबाद की पालिका नगर पालिका से विनती है कि हमें जो 2-3 महीने का जो लॉकडाउन लगा है उसका किराया ना हमसे लिया जाए। हम सरकार के साथ हैं, अगर किराया लोगे तो हम सब मेंबर इकट्ठे होके नगर पालिका के बाहर सारे इकट्ठे बैठ के धरने देंगे। ये सोमवार तक हम वेट करेंगे, मंगलवार को हमारा धरना स्टार्ट हो जाएगा। हम आज सभी नगर पालिका दुकानदार भाई इकट्ठे हुए और ये जो दुकानें हैं हमारी नगर पालिका से लीज पे ली हुई हैं, जिसका हर महीने की 7 तारीख को हमारे को किराया भरना होता है। हमने मार्च महीने का किराया 7 तारीख तक जमा करवा दिया था, जिसके 24 मार्च को जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके बाद तब से लेके हमने लॉकडाउन नियमों का पूर्ण पालन किया और पिछले 2 महीनों से दुकानें पूर्ण रूप से बंद थी। और उसके बाद CM साहब ने भी घोषणा की थी कि 15 मार्च से 31 मई तक का किराया माफ़ किया जाएगा, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी हमारे पालिका भाई दुकानदारों पर दबाव डाल रहे हैं कि पिछला भी किराया भरा जाए और इनके पास किसी प्रकार की सूचना ना होने की हमें सूचना दे रहे हैं। इसलिए हम CM महोदय हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि जो माफ़ी की घोषणा उन्होंने की है और वो पत्र इनको उपलब्ध कराया जाए और हमारा लॉकडाउन पीरियड का किराया माफ़ किया जाए। पिछले 2 महीनों से हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं जी, हम गरीब, मतलब कि सभी दुकानदार गरीब हैं, तो हमारा किराए भरने की गुंजाइश नहीं है। अब भी जैसे दुकानें खुल गई हैं पर ग्राहक फिर भी मार्केट में आ नहीं रहा है, भी सभी दुकानदारों में मंदा ही चल रहा है, तो हम किराया भरने में असक्षम हैं, तो हमारा जल्द से जल्द किराया माफ़ किया जाए। अभी जो भी किराया माफ़ करने की बात हो रही है, अगर हमारा किराया माफ़ नहीं हुआ तो सभी पालिका मार्केट के जो भी दुकानदार हैं वो सभी इकट्ठे होके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और किराया माफ़ करने की बात करेंगे। कब से होगा ये धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन पहले हम आज उनको बात रखेंगे। अगर सोमवार से अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो सभी दुकानदार अपनी दुकानों के शटर लगा के यहीं पर बैठ के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। असं अज पालिका बाजार वाले सारे दुकानदार इस करके इकट्ठे हुए हैं कि किराए वास्ते सानू प्रशासन तंग कर रहा, जबकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी लॉकडाउन तो बाद जो 2 महीने का किराया माफ़ किया जाता, कृपा करके वो उत्ते गौर की जाए तो 2 महीने का किराया साफ किया जाए, नहीं तो सारे दुकानदार धरना देने वास्ते तैयार हैं। कब से? हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस समस्या का हल किया जाए। यदि हल नहीं हुआ तो हम सभी दुकानदार भाई सोमवार से धरना पे बैठेंगे, कृपया हमारी सुनवाई कीजिए। यह आपको बता दें कि एलनाबाद शहर के बीचों बीच स्थित पालिका बाजार एलनाबाद शहर का सबसे शानदार और महंगा बाजार माना जाता है। इस पालिका बाजार में नगर पालिका की करीब 70 दुकानें हैं और जो दुकानदारों को लीज पर दी गई है। इन दुकानों का एडवांस किराया हर महीने की 1 से 7 तारीख तक जमा करवाना होता है। इस अवधि के दौरान
किराया जमा नहीं करवाने पर संबंधित दुकानदार को किराए के साथ ब्याज और हर रोज 50 रुपये जुर्माना भी देना पड़ता है। पिछले दिनों लॉकडाउन की अवधि के दौरान हरियाणा सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की थी, जिसमें एक घोषणा सरकारी भवनों और दुकानों के किराएदारों के लिए भी थी। इसी घोषणा को लेकर आज पालिका बाजार के दुकानदारों ने सरकार को ये चेतावनी दी है।